नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने लिया अहम निर्णय, भूमि अधिग्रहण मुआवजे में 10% की बढ़ोतरी। 10% बढ़ोतरी से सुलझेंगी परियोजना बाधाएं। डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने हेडमास्टरों को दिया पावर, शिक्षकों की शिकायत अब सीधे विभाग से। शिक्षकों और छात्रों पर नियमों का पालन करना अनिवार्य। अपर मुख्य सचिव ने दिया नया निर्देश, भू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन करे पूरा, 31 दिसंबर तक काम निपटाने का आदेश। बिहार सरकार ने जनता से मांगे सुझाव, सड़क निर्माण पर जनता से मांगे सुझाव, जानिए नीतीश सरकार का क्या है प्लान। वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए आकाश चोपड़ा, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जमकर की तारीफ, जानिए वैभव सूर्यवंशी को आखिर क्यों किया जा रहा है सर्च। अब साइबर धोखाधड़ी पर लगेगा लगाम, 6 अंकों के नंबर से बैंक से आएगा कॉल्स, प्रमुख बैंकों में ये नियम जल्द होंगे लागू। 22 नवंबर से भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बयान, कहा पंत हैं कोहली के बाद सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटर। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी रेलवे ने ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती अभियान विभिन्न लेवल्स 1, 2, 3, 4 और 5 के पदों के लिए आयोजित किया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 15 नवंबर 2024 से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 14 दिसंबर 2024। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पदों की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो लेवल 4 या 5 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेवल 2 या 3 के लिए कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स पूरा किया होना चाहिए। लेवल 1 के लिए कक्षा 10वीं ITI पास या इसके समकक्ष परीक्षा या NCBT द्वारा प्रदान किया गया ANSE सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अहम निर्णय लिया है। अब भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हर साल भूमि के दाम में 10% की बढ़ोतरी मानकर मुआवजा तय किया जाएगा। इस निर्णय का पहला उदाहरण कैमूर जिले में देखा जाएगा, जहां बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए जमीन मालिकों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। राज्य में 75 बड़ी परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में बाधाओं के कारण रुकी हुई हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल हैं। अब ये कदम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में मदद करेगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने हेडमास्टर्स को अधिकार दिया है कि वे किसी भी शिक्षक की लापरवाही या निर्देशों का उल्लंघन होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शिक्षक या छात्र सरकारी नियमों का पालन नहीं करता है तो हेडमास्टर को उसकी शिकायत शिक्षा विभाग से करना है। साथ ही उन्होंने गुटबाजी की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब लोग अपनी पसंद के अनुसार सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए सुझाव दे पाएंगे। पथ निर्माण विभाग जल्द ही एक मोबाइल नंबर जारी करेगा, जिस पर लोग अपने सुझाव सीधे दे सकेंगे। इस फैसले के पीछे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का मानना है कि सड़कों के निर्माण में जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए। प्रत्येक सड़क की शुरुआत और अंत में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें विभाग द्वारा जनता से सुझाव लेने की अपील की जाएगी और मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी होंगी। इस काम की निगरानी के लिए 3 मुख्य अभियंताओं को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बीते दिन भू अर्जन निदेशालय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ उपलब्धियों के आंकड़े जुटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कुछ जिलों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी पर उन्होंने कहा कि इन पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। साथ ही भू अर्जन निदेशालय द्वारा विकसित MIS पोर्टल के चालन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ये पोर्टल जिला स्तर पर भू अर्जन कामों की त्वरित जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक सभी भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन पूरा किया जाए।
करीब 60 साल पहले अमेरिका भेजी गई मिथिला पेंटिंग्स अब बिहार वापस आ रही है। बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि इन 113 पेंटिंग्स को जल्द ही बिहार संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। पेंटिंग्स को लाने में संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की भूमिका रही है। ये पेंटिंग्स जो है 1980 के दशक में डेविड नामक अमेरिकी कलाकार के एथनिक आर्ट फाउंडेशन द्वारा खरीदी गई थी, जिसमें भारतीय और विदेशी कलाकारों की पेंटिंग शामिल थी। इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी बिहार वासियों को राज्य की समृद्ध कला और सभ्यता से परिचित कराएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की है। आपसे बैंकों द्वारा भेजे जाने वाले कॉल और संदेशों में एक विशेष 6 अंकों का नंबर होगा, जिससे ग्राहक आसानी से पहचान सकेंगे कि ये संदेश वास्तव में बैंक से आया है। इस कदम से बैंकों के अलग अलग नंबरों का गलत फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों के लिए ये नया नियम जल्द ही लागू होगा। बिहार सरकार ने राज्य के 8 जिलों में स्थित 9 विश्वविद्यालयों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए विशेष छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल से छात्रों को विश्वविद्यालय के समीप रहकर अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने और बेहतर माहौल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विभाग के अनुसार इन छात्रावासों का निर्माण जल्द ही शुरू होगा और सभी में अस्थायी छात्रावास प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे। राज्य में पहले से 38 जिलों में छात्रावास चल रहे हैं और कई अन्य जिलों में भी निर्माण काम जारी है। बिहार के समस्तीपुर जिले के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी काबिलियत से सबका ध्यान खींचा है। महज 12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से उनकी चर्चा जो है हर जगह हो रही है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी उनके फैन बन गए हैं और वैभव की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब वैभव IPL 2025 के मेगा ऑक्शन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जहाँ इनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए है। खास बात यह है कि वैभव का नाम विराट कोहली, धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों से भी ज्यादा सर्च किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने STET 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल STET परीक्षा में कुल 4,23,822 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 2,97,747 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बता दें STET 2024 की दो प्रमुख परीक्षाएं आयोजित की गई थी, पेपर एक और पेपर दो। पेपर एक जो कक्षा 9 और 10 के लिए था, उसमें 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 1,94,697 अभ्यर्थी पास हुए। वही पेपर दो जो कक्षा 11 और 12 के लिए था, उसमें 29 विषयों की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 1,03,050 अभ्यर्थी सफल रहे। अब ये सफल अभ्यर्थी TRE 4 के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कृषि भवन में आयोजित बैठक में राज्य की विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में परंपरागत कृषि विकास, जैविक खेती, बीज ग्राम योजना और दलहन फसल प्रोत्साहन योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने मिट्टी जांच प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जैविक खेती पर जोर देते हुए किसानों की भलाई के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने की बात कही। साथ ही भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय भवनों को सड़क से जोड़ने का कार्य मार्च 2025 तक पूरा करने का आदेश दिया। राजधानी पटना में ई चलान के तहत 3 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने अभी तक अपनी दंड राशि जो है जमा नहीं किया है। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले वाहन मालिक भी शामिल हैं। अब इस मामले में परिवहन विभाग सख्ती बरतने की तैयारी में है। दंड राशि नहीं जमा करने वाले वाहन मालिकों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी गई है और व्यावसायिक वाहनों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि निजी वाहन स्वामियों को फिलहाल राहत मिली हुई है, लेकिन उन्हें भी वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा जा रहा है और दंड जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि ई चालान कटने के बाद दंड राशि का भुगतान करना बेहद जरूरी है। बिहार सरकार ने जमीन कब्जे के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व विभाग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति या जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
वही कब्जा अगर हथियारों के बल पर किया गया तो आईपीसी की धारा 126 के तहत मामला दर्ज होगा और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलेगी और 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा पुलिस को पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने के आदेश भी दिए गए हैं। सरकार का ये कदम भूमि विवादों पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। राज्य में 21वीं पशु गणना की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होगी जो 28 फरवरी 2025 तक पूरी की जाएगी। जून 2025 तक गणना की रिपोर्ट जारी होने की संभावना है। गणना के बाद केंद्र और राज्य के अधिकारी आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और त्रुटियों से बचने के लिए कई स्तरों पर जांच की जाएगी। पशु गणना के लिए राष्ट्रीय ऐप पर सभी गाँवों और वार्डों की सूची अपलोड कर दी गई है। इस काम के लिए 7058 परगणक, 1320 पर्यवेक्षक, 38 जिला नोडल और 1 राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिलों में परगणकों को 20 नवंबर तक गांव या वार्डो का आवंटन किया जाएगा जिसमें सुधार की अंतिम तिथि जो है 22 नवंबर है। बेगूसराय और मोकामा के बीच स्थित सिमरिया पुल पर मरम्मत काम के चलते आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। एम्बुलेंस को छोड़कर अन्य वाहनों को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ये काम पहले 2 नवंबर को होने वाला था लेकिन छठ पूजा के दौरान बढ़ी भीड़ के कारण इसे टाल दिया गया था। मरम्मत काम कर रही एजेंसी एसपी सिंगला की प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि स्पेन नंबर 13 सिमरिया साइड में 122 मीटर की ढलाई का काम होगा जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप रहेगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सक्षमता उत्तीर्ण लाखों शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र नहीं लेने का आह्वान किया है। संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को अवैध तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं जिनमें सेवा की निरंतरता का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य भर के शिक्षक 19 नवंबर यानी आज शाम 5 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे और 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। इसके साथ ही संघ ने 28 नवंबर को विधानमंडल के समक्ष धरना देने का भी निर्णय लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के साथ बैठक कर नई खनन नीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आरजेडी शासनकाल में खनन कामों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाई जाएगी जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा ने यह भी बताया कि ट्रक ऑनर एसोसिएशन को नई नीति के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। जीपीएस व्यवस्था में भी सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने ट्रक मालिकों को सूचना दी कि वाहन खराब होने पर वे 9472238821 पर शिकायत कर सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने का सरल तरीका जान लीजिए। बता दें, आधार कार्ड बनवाने के लिए अब आपको UIDAI की वेबसाइट पर नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर का चयन करना होगा और अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। माई आधार सेक्शन में जाकर बुक इन अपॉइंटमेंट ऑप्शन का चयन करें। अपॉइंटमेंट के दौरान पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जैसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। अपॉइंटमेंट की तारीख पर एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद UIDAI आधार नंबर जनरेट कर देगा, साथ ही एक वर्चुअल नंबर भी आपको मिलेगा जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। आधार कार्ड बनने में 30 से 180 दिन तक का समय लग सकता है। अगर आवेदन में गलती हो गई है तो जन्म तिथि और जेंडर में एक बार सुधार किया जा सकता है जबकि नाम में 2 बार सुधार किया जा सकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक आवेदन भरें। इधर बिहार में ठंड ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट आ रही है और अधिकतर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज से ठंड में इजाफा होगा और बिहार के लगभग सभी जिलों में ठंड की एंट्री हो जाएगी। आपको बता दें कि 19 से 22 नवंबर तक कोहरे का असर कम रहेगा लेकिन दिन भर ठंड का असर बना रहेगा। वैशाली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी हरकिशोर राय के निर्देश पर एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम के 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये पुलिसकर्मी छापेमारी में जब्त शराब से चोरी करके उसे खुद पीते थे और बेचा करते थे। महुआ थाना में छापेमारी के दौरान 32.5 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई।
गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों में सिपाही और गृह रक्षक शामिल हैं। एसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कांड दर्ज किया है, जिससे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे ऑडियो वीडियो संदेश में पाकिस्तान से कॉल किए जाने की बात कही गई है। इसके पहले वाली धमकी जो नेपाल से दी गई थी, उसका भी जिक्र किया गया है। 3 मिनट 57 सेकंड के संदेश में पप्पू यादव से माफी मांगने की मांग की गई है और उन्हें 24 दिसंबर यानी कि उनके जन्मदिन से पहले मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई द्वारा भी पप्पू यादव को धमकी दी गई थी और इस मामले में पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत को विराट कोहली के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट का अगला सर्वश्रेष्ठ बैटर बताया। गांगुली का मानना है कि पंत का आक्रामक खेल खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि पंत ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में शानदार पारियां खेली है, जो उन्हें एक पीढ़ी का टैलेंट साबित करती है। गांगुली ने पंत की हालिया फॉर्म की भी सराहना की, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 422 रन बनाए। उनका औसत 46.88 और स्ट्राइक रेट 86.47 रहा और बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने संकट के समय 99 रन की शानदार पारी खेली। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1982 में 9वां एशियाई खेल दिल्ली में शुरू हुआ था। आज ही के दिन सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और आज ही के दिन सन 1994 में भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। आज ही के दिन 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आज ही के दिन 2006 में भारत ने परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा था। आज ही के दिन सन 1971 में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरण रिजिजू का जन्म हुआ था और आज ही के दिन सन 1917 में भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। बिहारी पहचान में आज बात होगी रितेश पांडे की। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने सिंगर रितेश पांडे का जन्म बिहार के सासाराम में 14 मई 1991 को हुआ था। रितेश पांडे ने 2010 में भोजपुरी एल्बम से अपने गायन करियर की जो है शुरुआत की थी। उनका प्रसिद्ध गाना हेलो कौन है, इस गाने को यूट्यूब पर 900 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। रितेश पांडे ने कई हिट फिल्मों में अभिनय और गायन किया है। भारत बनाम पाकिस्तान, दरार 2, यारा तेरी यारी, काशी विश्वनाथ, परवरिश, रानी ने राजा से विवाह किया, नाचे नागिन गली गली, करम युग, तोहरे में बसेला परान, दाग ए गुलांचन, बेवफा। उनकी आवाज न केवल संगीत बल्कि अभिनय के क्षेत्र में भी छाप छोड़ चुकी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आबकारी विभाग रोजगार योजना के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा है। इन पत्रों में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार के आबकारी विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा रही है, लेकिन नियुक्ति से पहले एक पंजीकरण शुल्क के रूप में 1,390 रुपये मांगे जा रहे हैं। बता दें कि ये नियुक्ति पत्र पूरी तरह से फर्जी है। सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। पीआईबी फैक्ट ने इस नियुक्ति पत्र को पूरी तरह से झूठा और धोखाधड़ी करार दिया है। इसलिए यदि आपके पास भी ऐसा कोई नियुक्ति पत्र आता है तो आप सतर्क रहें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार, पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आईआईटी रुड़की और ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर। इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में परंपरागत त्यौहार बोईटा बंधन किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2023 में दुनिया भर में किस बीमारी के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है खसरा, ऑप्शन डी है डायबिटीज। इसका सही उत्तर होगा खसरा। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी?
ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1967। इसका सही उत्तर होगा 1967। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह की सरकार, ऑप्शन बी है महामाया सरकार, ऑप्शन सी है लालू सरकार, ऑप्शन डी है बिंदेश्वरी मंडल की सरकार। इसका सही उत्तर होगा बी महामाया सरकार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोतीलाल कुमार, नौसाद रजा, मुन्ना प्रसाद, विनय कुमार, छोटू रजा, सिवा, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, दुर्गा कुमार, अंकेश चौहान, अरशद अंसारी, अनवर करीम खान, मोहम्मद जैद, उमेश ऋषिदेव, घनश्याम कुमार, नरेश कुमार, विजय यादव, नूनू गोल कुमार, राजेश माझी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, कुश कुमार यादव, अरशाद खान, अतीक खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, स्वतंत्रता, मानसिक शांति या फिर पैसा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर